नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जौनपुर के मड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र के इटाय बाज़ार में गुरुवार की देर शाम दो पक्षों में हुए संघर्ष में सीओ सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिसमें पुलिस द्वारा अभी तक दर्जन भर लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मुसहर व पटेल बस्ती के लोग घर छोड़कर फरार हो गए। बता दें कि गुरुवार देर शाम मुसहरों व पटेल के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों से ईंट पत्थर चले थे। सूचना पर पहुंची 112 पुलिस पर भी ईंट पत्थर चलाए गए। जानकारी के बाद कोतवाल मड़ियाहू व सीओ मौके पर पहुंचे, जहां उपद्रवियों द्वारा उनके ऊपर भी पत्थर मारकर क्षेत्राधिकारी मड़ियाहू राजेंद्र कुमार सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया गया था। सूचना पर पुलिस अधीक्षक जौनपुर अशोक कुमार सर्किल के सभी थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए थे, जहां पुलिस ने जमकर तांडव मचाया। पुलिस ने घर में घुसकर महिलाओं बच्चों की भी जमकर पिटाई की। करीब दर्जन भर लोगों को हिरासत में ले लिया। मुसहर व पटेल बस्ती में सन्नाटा पसरा है, सभी घर छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने शुक्रवार 3:30 बजे तक मुकदमा पंजीकृत नहीं किया था। ग्रामीणों ने बताया कि इटाय बाज़ार में मुसहरों के नाम सड़क का पट्टा दिया गया है, जिस पर पटेल लोग कब्जा कर अपना मकान बनवा लिए हैं, जिसको लेकर पिछले कई साल से आए दिन मारपीट होती रहती थी, जिसमें पुलिस व राजस्व अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है। यदि राजस्व तथा पुलिस विभाग के लोग समय रहते आवश्यक कानूनी कार्रवाई किए होते तो इस घटना से बचा जा सकता था। इटाय निवासी अजीत सिंह, जो अपने घर में बाइक बनाने का काम करता था, पुलिस उसे भी उठा ले गई। उसके लड़के हितेश सिंह 15 वर्ष को लाठियों से भी पीटा, जबकि उसका आरोप था कि वह निर्दोष है और झगड़े से उसका कोई लेना देना नहीं था। प्रशासन पुलिस द्वारा ऐसी कार्रवाई से गांव के लोग सहमे हुए हैं और क्षेत्र में जमकर आक्रोश भी है। अब देखना यह है कि इन बस्तियों में पसरा हुआ सन्नाटा आखिर कब बहाल होता है। मामले में कुछ ग्रामीण भयवश चौहान जाति के लोग गांव से पलायित हो गए हैं। घटना की जानकारी को लेकर ग्रामीण जब जफराबाद विधायक डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह के नगर स्थित आवास पर लेकर मिले और जानकारी दी, इसके बाद विधायक स्वयं ग्रामीणों के साथ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार से मुलाकात किए व उनके कार्यालय में जाकर उनसे मिले। उन्होंने कहा कि बेवजह निर्दोषों की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, गाँव की स्थिति को फिर से सामान्य किया जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए।